हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेज एंड जॉब टेलर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टीपल असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को और जानेंगे कौन कौन से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसीज को निकाला गया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अपने चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी चैनल को किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला नोटिफिकेशन आया वो है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस AMU अलीगढ़, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से जो है लाइक एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ लाइक फैकल्टीज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन जो निकाली है वो टोटली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोजीशन वो 3 है। इन प्लांट पैथोलॉजी में 1 है, एंटेमोलॉजी में 1 है, और एंटेमोलॉजी ऑब्लिक नेमेटोलॉजी में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पोजीशंस को निकाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए एज पर यूनिवर्सिटी विद एटली 55% मार्क्स। तो आपका जो पीजी डिग्री 55% मार्क्स में होना चाहिए इन प्लांट पैथोलॉजी, एंटेमोलॉजी या नेमेटोलॉजी में। इसके अलावा अगर आपके मास्टर MSc डिग्री इन बॉटनी जूलॉजी विद स्पेशलाइजेशन है प्लांट पैथोलॉजी एंड एंटेमोलॉजी और नेमेटोलॉजी, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने PhD जो है वो आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से की है, या मास्टर जो आपने किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है, तो आप जो है आपकी जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो QS रैंकिंग, THE रैंकिंग और शंघाई ARWU रैंकिंग में टॉप 500 में होनी चाहिए। इसके अलावा आपका नेट जो है वो क्वालिफाई होना कंपलसरी है। उसके अगर आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन बच्चों का या उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने PhD जो है वो उसका रजिस्ट्रेशन 2009 से पहले किया है, तो दे आर एग्जेम्प्शन फ्रॉम द नेट एग्जाम। ठीक है, इसके तो उसमें होगा क्या कि अगर उन्होंने 2009 से पहले रजिस्टर किया है तो उनका PhD रेगुलर मोड में होना चाहिए, और उसके थीसिस को एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने इवेल्युएट किया होना चाहिए, उसके एटलीस्ट जो है 1 रिसर्च पेपर होना चाहिए। ठीक, यानी कि उसने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए जिसमें से 1 जो है वो इट शुड बी इन रेफर्ड जर्नल। ठीक है, उसका एक ओपन वायर वाइज भी हुआ होना चाहिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप दे रखे हैं, तो डिपेंड करता है कि आपके पास क्या डिग्री है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ग्रेजुएशन है मास्टर लेवल फिर फॉर ST ST फिजिकली हैंडीकैप इन सब कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर हम बात करें यहाँ पे जो है फी पेमेंट की, तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ का जो फी है वो पे करना है बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AMU ब्रांच अंडर द हेड एम्प्लॉयमेंट फी। और यहाँ पे इन्होंने अकाउंट नंबर दे रखा है, तो आप इस अकाउंट नंबर में जो है वो डायरेक्टली पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप DD बना के ना चाहते तो आपको 500 रुपीज़ का DD जो है बना के जो है वो बनाना है इन फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर AMU पेएबल एट SBI AMU ब्रांच 055 अलीगढ़। ठीक है, तो आप इसमें अगर हम बात करें लास्ट डेट की एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की, वो 27 मार्च है ऑनलाइन मोड के थ्रू बाई 4 PM, और जो इंटरव्यू होगा वो 30 मार्च 2021 को होगा एट 2 PM। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि आया है लॉर्ड यूनिवर्सल कॉलेज माइक्रोबायोलॉजी जूलॉजी फैकल्टी जॉब 2021। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉर्ड्स यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो है यहाँ पे वैकेंसीज को निकाला गया। तो यहाँ पे आप देख सकते डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला गया है, और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन कर रखा है और कैटेगरी भी यहाँ पे जो है मेंशन कर रखा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपकी जिस सब्जेक्ट में एलिजिबल हो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ PhD डिग्री होना चाहिए। अगर आप प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर विद टोटल सर्विस एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 15 ईयर, तो PhD डिग्री होनी चाहिए आपकी अगर आप जो है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आपका मिनिमम 15 ईयर्स का जो है टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 10 रिसर्च पेपर आपकी होनी चाहिए इनके रिव्यूड और UGC लिस्टेड जर्नल्स में, और मिनिमम 1/10 रिसर्च स्कोर होना चाहिए एज पर Appendix 2 में। ठीक है, अगर हम बात करें प्रिंसिपल की पोस्ट की, तो यहाँ वो जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी आपकी 5 ईयर्स के लिए। तो यहाँ पे 5 ईयर्स के लिए जो है आपका यहाँ पे जो है जॉब रहेगा। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर स्पोर्ट डायरेक्टर इन फिजिकल एजुकेशन लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपको मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अगर आप फिजिकल एजुकेशन में अप्लाई करें तो आपको मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो है नेट जो है वो कंपलसरी होना चाहिए, चाहे वो CSIR हो, चाहे UGC हो, चाहे SER नेट हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, आपको ना क्या है, आपको अपना जो पूरा एप्लीकेशन जो फिल करना है, फिल करने के बाद आपको अपने सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपीज़ हैं, मार्कशीट, सर्टिफिकेट और अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट ओके, और आपको सेंड कर देना है प्रिंसिपल विद्या विकास एजुकेशन ट्रस्ट लॉर्ड्स यूनिवर्सल कॉलेज टोपी वाला मार्ग ऑफिस स्टेशन रोड गोरेगांव वेस्ट मुंबई। ठीक है, तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट आने के 15 दिन के अंदर जो है अपना जो भी लाइक डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको यहाँ पे सेंड कर देने हैं। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो कि आया है TKM कोल्लम जूलॉजी बायोकेमिस्ट्री फैकल्टी जॉब्स। तो यहाँ पे देखिए ये TKM कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है। यहाँ जो सब्जेक्ट भी मैंशन कर रखे हैं फिजिक्स जूलॉजी बायोकेमिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन। और हम बात करें यहाँ पे जो पेमेंट फ़ी की वो आपकी 1000 रुपीज़ रहेगी। और यहाँ पे जो है आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है लॉन्ग विद एप्लीकेशन आपको सेंड कर देना है टू द प्रिंसिपल TKM कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस कोल्लम 9691005। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप मेंशन कर रखे हैं और साथ ही साथ पोस्ट भी मेंशन कर रखी है, तो आप जिन सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज की जो कि अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, दिस इज एफिलेटेड टू AKETU लखनऊ। तो यहाँ पर देखिए वॉकिंग इंटरव्यू है, तो आपको करना क्या, आपको अपने जितने ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको जो है यहाँ पे ले जाने हैं 3 और 4 अप्रैल 2021 फ्रॉम 9 AM टू 3 PM पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एसोसिएट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है ऑलमोस्ट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में भी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए नॉन टीचिंग स्टाफ की पोजिशन को निकाला गया है, और यहाँ पे सैलरी जो रहेगी वो आपकी डिपेंड करती है, अगर आपके पास सारे क्वालिफिकेशन है और आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे सैलरी भी अच्छी दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आया है CGU भूपेश एग्रीकल्चर साइंसेस। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन BSc एग्रीकल्चर। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो PhD विद फर्स्ट क्लास कैरियर थ्रू आउट, मिनिमम 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस शुड हैव। ठीक है, इसके अलावा लाइक यहाँ पे कुछ नॉन एकेडमिक पोजिशन भी है, सिविल इंजीनियर, वेब डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर, तो ये सब पोस्ट भी यहाँ पे नॉन टेक्निकल या बोल नॉन एकेडमिक पोजिशन भी यहाँ पे जो है यहाँ मेंशन कर रखी है। तो अगर आप लाइक उड़ीसा में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या नॉन अकेडमिक पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा नोटिफिकेशन बहुग्राम कटक जूलॉजी लेक्चर जॉब्स। तो यहाँ पे देखिए बहुग्राम डिग्री कॉलेज में जो है पोजीशंस को निकाला गया जो कि कटक में है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो भी MPhil होना चाहिए सिक्योरिंग 55% मार्क इफ एनी PG लेवल। तो यहाँ पे अगर मास्टर डिग्री 55% मार्क्स से ज़्यादा है आपका तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में मेंशन कर रखा है मैथमेटिक्स, जूलॉजी, इकोनॉमिक, केमिस्ट्री, कॉमर्स, एजुकेशन, तो साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो अगर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए। आपको करना क्या है कि आपको अपना जो भी लाइक एप्लीकेशन है और जो भी आपका CV है अलॉन्ग विद टेस्टिमोनियल्स आपको सेंड कर देना bahugram.degree.college@gmail.com पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।